गाइज़ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई आज आए हैं हम अपनी बलेनो की सर्विस कराने 5000 वाली। ये चल गई है 5000 किलोमीटर इसकी है, ये दूसरी सर्विस बोलते हैं। अब इसको करवाते हैं और इसमें थोड़ा बहुत काम भी होना है, वो भी करवाते हैं। और भाई इसके सीट कवर जब ली थी ना, ये जब कहीं रह रही, अभी सीट कवर लगेंगे इसमें, एक पीछे की क्रोम रह रही। और 2 महीने से इन्होंने कह रखा कि आ जाएंगे, तो वो अब आए हुए हैं। इस पर सीट कवर भी लगवाएंगे और वो पीछे क्रोम भी लगवाएंगे। और भाई अब इसका जो कार्ड बनेगा फिर आपको बताता हूँ। यहाँ पूरा यहाँ पे जैसे एक टाइम पे भाई वो रहती थी ना, वो स्विफ्ट, ऐसे ही बलेनो का हाल हो गया। हर हर गाड़ी बलेनो खड़ी है यहाँ पे। ये देखो तो गाइस अब वॉशिंग हो चुकी है कार की। अब देखते हैं क्या क्या रह रहा। ये देखो भाई रह रहा, ये भी भाई बोलो कर। तो गाइस वॉशिंग हो गई है बढ़िया सी, ये देखो पूरी चमक रही भाई कार। देखो अब बलेनो का इंजन, इसमें हल्की सी यहाँ पे आवाज आ रही टायर के पास, तो ये दिखा रहे हैं। और तो बस भाई इन सर्विस पे कुछ होता नहीं इतना खास। ये देखो ये होगा भाई फिल्टर साफ इसका, जो टंगा दी भाई अपने कार। अब इसमें अगले टायर के नीचे कुछ प्रॉब्लम आ रही, वो दिखा रहे हैं। एक निकला इसमें से पत्थर और ये नीचे का कवर फट गया इसका। अभी ये वाला पत्थर टायर में से निकला जो कट कट की आवाज कर रहा। फ्रेम के नट बोल्ट टाइट से कर दिए भाई इन्होंने, ये वाला ये चादर सी फट गई इसकी। अब जा रही भाई कार टेस्ट ड्राइव पे। वो आवाज आ रही थी ना, एक पत्थर फंस रहा था नीचे, उसकी आवाज थी वो। मेरी व्लॉग का बना। अब भाई यहाँ खड़ी हो गए, थोड़े कपड़ा वगैरह लगेगा इस पे, पॉलिश वगैरह। तो फर्स्ट और सेकंड सर्विस में कुछ नहीं होता, बस ये ऑयल वगैरह चेक कर लेते हैं, मतलब जो कम होता है वो फिलअप कर देते हैं, पानी वगैरह डाल देते हैं और बस चेकअप होता है एक तरीके से। अब जो थर्ड सर्विस होती है ना 10000 किलोमीटर की, उस पर होगा मतलब मोबिल ऑयल चेंज होगा और मतलब फिल्टर वगैरह भी चेंज होता है उसी सर्विस पर होता है। अब तक तो कुछ नहीं। और भाई इसके सीट कवर और पीछे की क्रोम रह रही थी, आज वो भी करवाएंगे। मारुति की सर्विस में थोड़ा सा मतलब टाइम तो लगता है, यहाँ पे थोड़ी भीड़ रहती है, बाकी तो सब ठीक है। एक दो जो स्क्रैच था उस पर भी इन्होंने रबिंग वगैरह कर दी है। एक बारी कमेंट्स करके ये बताओ ब्लू कलर बढ़िया लगता है इसमें या ये जो ग्रे है हमारे वाला है, ये देखो ये वाला। देखो भाई जो बात है बलेनो का लुक तो बढ़िया लगे। ये देखो भाई स्पीकर तो मतलब चेक कर लिए, 4 बज रहे हैं ये देखो। और आज ये इसकी पन्नी उतर जाएंगी और वो कवर लग जाएंगे, इस पर सीट कवर लग जाएंगे। ये पीछे वाली क्रोम होती है ये लग जाएगी आज। इस छोटे मोटे स्क्रैच दिख रहे हैं ना, ये इधर भी और ये इधर भी, और भाई ये बस यही है, इन पे रबिंग करवा रहे हैं। आ गई भाई इसके सीट कवर। लो यो भाई कपड़ा दिया इन्होंने 250 रुपये का। भाई ये देखो इसमें ना कंपनी वाले में मतलब सिलने की जरूरत पड़ती है, चिपकने वाले आते हैं ये पूरी के झूठे, तो मतलब सेट हो जाते हैं। देखो भाई इस टाइप के एक कवर्स है, इन्हें मतलब सीट वगैरह कुछ नहीं खोलनी पड़ रही है, या सही लगा रही है। ये देखो भाई इनकी कोई मुझे इतनी खास फिटिंग नहीं लग रही, बस बाकी तो बढ़िया। ये 9000 रुपये की भाई। तो भाई बलेनो की सीट अंदर से देखो ऐसी भाई इसकी RC रह रही, सोचा जब आए हुए वो भी उठा ले, फिर यहाँ से फ्री हो जाएंगे भाई, फिर बस 10000 वाली सर्विस पे आना होगा। भाई RC वाले भैया तो आए नहीं आज,
तो भाई इधर कल इधर तो आते रहे हम पुल के नीचे, तो भाई कल को उठा लेंगे। लग गई सीट कवर, ये देखो बताओ तो। भाई मुझे ना इनकी फिटिंग कुछ खास नहीं लगी, ये देखो आप देख सकते हो ये 9000 रुपये की है। अगर बाहर से लगवाओ तो 9000 रुपये में इनसे बहुत बढ़िया लग सकते हैं। ये देखो बस इस पे यहाँ क्रोम लग नहीं रह रही है। मुझे पूरा अंदाजा था है, मुझे पूरा अंदाजा था भाई आज भी वो ना ही करेगा और इसने ना ही करा। आप देख रहे हैं अंदर जाके चाबी भाई चाबी रहेगी कार में ही। अब भाई उस पर से आज ना अगर उसने वो ना दिए, कवर भी 2 महीने बाद ले जा रहे हैं हम, अगर ना उसने वो ना दिए तो आज हम वही लेते जाएंगे, मतलब पैसे लेते जाएंगे। भाई 2 महीने हो गए कहीं आज की बात थोड़ा ही, तो देखते हैं। अब उन्होंने खुद भी कह दिया है कि अकाउंट डिटेल दे दो, 2-4 दिन में मतलब रिफंड करा दूंगा उसके मतलब पीछे वाली डिग्गी के क्रोम के पैसे। अब भाई चलते हैं। देखो